गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम जस। गाइस प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, प्लीज़ नीचे जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया। हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइस, प्लीज़। हम कल रात को ना लेट नहीं सोए थे, लेकिन फिर भी मैं लेट उठा क्योंकि यार मेरे को ना मन नहीं कर रहा था उठने का। मन कर रहा था छुट्टी ले लूँ क्लास की, इसलिए यार फिर लेकिन छुट्टी मिली नहीं। डांट भी पड़ गई पापा मम्मी से कि तू लेट उठा, थोड़ी बहुत डांट पड़ गई। तो यार मैंने ना थोड़ा ये भी करा कि मेरे को व्लॉग बनाना है। अरे भाई जोगिंदर को व्लॉग बनाना है, चाहे धरती एक पीस में हो जाए तब भी व्लॉग बनाऊंगा। थारा भाई जोगिंदर बाउंडर ला देगा बाउंडर। गाइस मेरी क्लास है 9 o'clock. जब देखो लेट उठता रहता है इसका, बस चले ना तो रोज छुट्टी ले रोज। और आज इसने सुबह उठ के डांट खाई है क्योंकि आज लेट उठा, क्लास भी मिस हो जाती है इसकी। और मैं अभी शेव करूँगा, वाइट दाढ़ी में साफ दिख रही है ब्लॉग के अंदर। जब मैं नेक्स्ट टाइम आपको मिलूँगा थोड़ी देर बाद तो ये दाढ़ी नहीं होगी। हाँ मगर ये जो साइड की सफ़ेदी है ये तो दिखेगी। बाल कलर करवाने हैं मेरे को, ठीक है। जस्ट फटाफट अपनी अटेंडेंस लगा दे, अटेंडेंस आई है, देखते हैं। अभी इसकी अटेंडेंस नहीं आई है, वही चेक कर रहे हैं कि अटेंडेंस कब आएगी। देखता हूँ मेरे को रिफ्रेश करके, रिफ्रेश ही करना है ना। हाँ जी, कंट्रोल आर भी कर सकते हो और वो ऊपर वाला भी होता है। कंट्रोल आर, देखो जी हमें भी नहीं, सॉरी हाँ ठीक है, कंट्रोल आर कर दिया। अटेंडेंस अभी तक नहीं आई है, टाइम टेबल आ गया लेकिन अटेंडेंस तो वेट कर रहे हैं इसकी। क्लास टीचर का जैसी आएगी हम अटेंडेंस मार्क करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। और गाइज एक आपके लिए सरप्राइज भी है, आपको पता है क्या कि मैंने ना न्यूज़पेपर लगवा दिया। गाइस मेरे साथ एक आपका सरप्राइज है कि मैंने ना न्यूज़पेपर लगवाया है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अब देखो कितना इंटेलिजेंट पढ़ता हूँ। पहला दिन आज मैं बहुत आगे अटेंडेंस जी बुई। चलो बाद में मिलते हैं, बाय गाइस। ये ऑफिस जा रही हैं अभी, मैं को उससे पहले थोड़ा मूड रिफ्रेश कर रही हैं। पता नहीं यूट्यूब में क्या देख रही हैं, क्या देख रहे हो यूट्यूब में? गोल्डन रिट्रीवर एक डॉग है उसको देख रही हैं और बहुत गहन सोच में पड़ी हुई हैं, ठीक है। चलो अभी इनको छोड़कर आता हूँ, फिर ब्लॉगिंग करेंगे। मैं भी नहाकर आ चुका हूँ, जस की क्लास चल रही है तो मैं भी उसको ब्लॉग में नहीं ले पाऊँगा क्योंकि वो डिस्टर्ब होता है। उसका जो पढ़ाई का परफॉर्मेंस है आजकल थोड़ा ख़राब चल रहा है क्योंकि टाइकोंडो में टाइम लग जाता है तो वो पढ़ नहीं पा रहा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जब फ्री हो जाएगा तभी उसको ब्लॉग में लूँ, उससे पहले ना लूँ। अभी मैं कुछ अपने काम निपटा लेता हूँ, मेरे दिन भर के बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। पहले तो वाइफ को ऑफिस छोड़ूंगा, ऑफिस छोड़ने के बाद कुछ अपने काम निपटाऊंगा, फिर उसके बाद मैं घर आऊँगा, फिर देखते हैं कुछ उस टाइम कुछ नया होता है तो ब्लॉग में डालता हूँ, अगर कुछ नया नहीं होगा तभी ब्लॉग में डालूँगा। मगर दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी, हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। बेल आइकन को दबाइए, अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दोस्तों बाद में आता हूँ, फिर मिलते हैं। हर वो कौन है, जोगिंदर भाई, जोगिंदर बोले तो जस उससे मुलाकात करेंगे, फिर उसके भी कुछ खट्टी मीठी बातें डालेंगे। चलो अभी के लिए मैं जाता हूँ, फिर जाके आता हूँ। वैसे मुझे काम पर जाना था मगर मैं काम पर जाने से पहले अपने बाल काले करवाया है, बहुत सफ़ेद हो गए थे। बाबा मेरा बेटा मेरे को बूढ़ा कह रहा था, अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने अपने बाल काले करवा लिए। अब मैं जाऊंगा काम पे, काम पे जाने के बाद मेरे को आज गुरुद्वारे भी जाना है क्योंकि गुरु नानक देव जी का आज गुरुपुर्व कह रहे हैं जिसे आज है। मैं गुरुद्वारे की भी कुछ वीडियोस डालूंगा, फिर वहाँ से आने के बाद मुझे जस को टाइकोंडो में भी लेकर जाना है, और टाइकोंडो से आने के बाद जस कह रहे थे मेरे को बाहर से खाना खाना है, मगर देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि बाहर से खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। और अभी के लिए मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, ऐसी तैसी हो जाएगी अगर मैं लाइफ टाइम से नहीं पहुंचा। टेक केयर, बाय बाय।
चलो गायत हम आ गए हैं। आज गुरुपुर्व था तो वहाँ से हम फ्री होके जत को घर लेकर आया था। फिर ये जत नींद कर रहा था, नींद करने के बाद मैं इसको लेकर आ गया दोबारा टाइकोंडो के अंदर। अभी अपने दोस्त कुशज के साथ फिर प्रैक्टिस कर रहा है। अभी कुछ टाइम तक इसके प्रैक्टिस चलती रहेंगी। 24 तारीख को इसका वो है टेस्ट बोले तो कॉम्पिटिशन है। इसको हैदराबाद जाना है खेलने के लिए। हाँ जी जैद करो यार, बेटा तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फिर से बोलते हैं, चलो मैंने पापा की वेलकम टू माय चैनल नहीं, वेलकम टू माय पापा चैनल। इनको ये 5 मिनट का टाइम मिला है पूरे मैट लगाने के लिए। अगर 5 मिनट में मैट नहीं लगाया तो डंडे बढ़ेंगे इनको खींच के। ये ठीक भी है, बच्चे आपस में बातें कर रहे थे तो सर नाराज़ हो गए। अब 5 मिनट का टारगेट देकर गए इनको। अब कर रहे हैं सीधे तरीके से काम। ये देखो जस को, ये तो डांस करने में लग गया है और ये तो सबसे ज़्यादा दौड़ रहा है ताकि इसको डंडे ना पड़े। क्योंकि जब इसको डंडे पड़ते हैं तो पट से आवाज़ आती है, जैसे पट से हेडशॉट की आवाज़ आती है ना, वैसे पट से आवाज़ आती है। आज इनका बहुत ज़बरदस्त फिजिकल हो रहा है, इसके तो लंका लग गया जैसी है। हो ही नहीं रहा इससे, गलत कर रहा है। इसके सर ने इसको कुछ और करने को कहा था मगर इसका जो पोजीशन है वो गलत है। अभी भी ये गलत कर रहा है। और भी बच्चे कर रहे हैं, ये देखो ये और बच्चे भी कर रहे हैं। ये अपने लेवल के हिसाब से कर रहे हैं, ये थोड़े छोटे हैं और जस थोड़ा बड़ा है। और भी बच्चे हैं मगर ठीक है, आई अप्रिशिएट के सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मन लगा के लगन लगा के अपना काम कर रहे हैं, आगे जाके कामयाब होंगे ऑब्वियसली। आज के टाइम में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, जिस तरीके से माहौल बनता जा रहा है बाहर, आपको अपनी सेफ्टी करनी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आप लड़ना नहीं चाहते किसी से मगर लोग कहते हैं हमसे लड़ो, ठीक है। हम बच्चों को ये शिक्षा नहीं देंगे कि जाके लड़ो, अपने इस आर्ट का गलत फ़ायदा उठाओ, नहीं कभी नहीं। हाँ मगर अपनी सेफ्टी करना है वो बहुत ज़रूरी है। थारा भाई जुगिंदर आखिरकार आ ही गया टाइकोंडो से थक के। बहुत टायर्ड वाला दिन था आज, बहुत।
मैंने बोला था पापा को यार आज भात खाएंगे, लेकिन पापा ने एंड मोमेंट पे मना कर दिया। मेरा किस्मत ही ख़राब था यार, मेरी किस्मत ही ख़राब थी। हुई हुई। अच्छा मैं क्या बोल रहा था कि अभी ना एक तो ऊपर से मैं टायर्ड भी हो गया हूँ, मैंने अभी खाना खाया है, फिर मैं जाऊँगा सोऊँगा, फिर मैं आपसे बाद में मिलूँगा। यही मेरा रूटीन है गाइस। बाय 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 गाइस।